हल्द्वानी स्थित MBPG कॉलेज के सभागार में आयोजित दिवंगत कथाकार आनंद बल्लभ उप्रेती के 10वां स्मृति समारोह कार्यक्रम का मुख्य अतिथि रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम दान, वीरांगना, जसूली बूढ़ी, शौकियाणी और हिमालय के विविध आयामों पर आधारित रहा। दान वीरांगना की ओर से नेपाल और तिब्बत तक बनवाई गई धर्मशालाओं के अवशेष धरोहर के रूप में आज भी मौजूद हैं। दिवंगत आनंद बल्लभ उप्रेती हिमालय से निकलकर देश की राजधानी दिल्ली में पत्रकारिता के साथ ही अलग अलग तरीकों से जनता के लिए खुद को समर्पित किया, जिनके द्वारा लिखे गए लेख और कथाएं उत्साहित करने वाली हैं। उन्होंने समाज की कुरूतियों पर घातक प्रहार किए हैं। यह बातें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रक्षा राज्य मंत्री अजय कुमार भट्ट ने कहीं। कार्यक्रम में रंगोली के गीत के साथ दुधबोली के गीतों का संदेश दिया गया। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा के संस्थापक निदेशक प्रोफेसर PC बाराकोटी की अध्यक्षता और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित विपिन चंद्र पांडे के साथ MBPG कॉलेज के प्राचार्य GNS बनकोटी, डॉक्टर सुबोध कुमार श्रीवास्तव, हिमालय संगीत शोध समिति के कलाकार किरण विष्ट के साथ तमाम कलाकार मौजूद रहे। जो अब हमारे बीच में नहीं हैं, उनने जो समाज के लिए लिखा और पत्रकारिता का जीवन यहाँ हिमालय की कंदराओं से निकलकर दिल्ली में, जो राजधानी है हमारे देश की, वहाँ तक वो पहुँचे और विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अपने तजुर्बों को लिपिबद्ध करके जनता को समर्पित किया, और उनके जो लेख हैं, उनकी कथाएं हैं, वो बहुत उत्साहित करने वाली हैं। और उन्होंने जो चोट भी करी है कहीं पर, बहुत साहित्यिक तरीके से समाज की कुरीतियों पर भी चोट करी है, तो उनकी याद में हमारी संस्था, रंग संस्था, और यहाँ जो विद्वज्जन हैं वो लोग बहुत बड़ा यहाँ पर आयोजन करते हैं, और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले प्रतिष्ठित लोगों को सम्मानित करते हैं। जैसे हमारे बीच में शिक्षा के डायरेक्टर साहब यहाँ पर हैं, और ऐसे ही कलाकार जितने में हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ को अपनी अपनी लोकल डायलेक्ट में जिन्होंने आगे बढ़ाया है, वैसे कलाकार यहाँ पर सम्मानित हो रहे हैं। और रंग, जो हमारी संस्कृति है, रंग संस्कृति बिल्कुल बॉर्डर इलाके में लगी हुई है, जो धारचूला है और उससे ऊपर आप मुंशियारी है, हमारी जो भी घाटियां हैं, दारमा वैली है, तो इन तरह के वहाँ पर जितने भी हैं, गुंजी हैं, कुट्टी है, तो ये ऊपर के जितने गांव पर हमारे छोटा कैलाश है, यहाँ रहने वाले हमारे लोग हैं, उनकी संस्कृति जो बिल्कुल नेपाल और तिब्बत और एक किस्म से कहिए चाइना का बॉर्डर भी है कई जगहों पर, वहाँ पर जो लगे लोग हैं उनकी संस्कृति कैसी है, जीवांत संस्कृति है, उसका भी प्रदर्शन हो रहा है। तो उनकी याद पर जो आनंद बल्लभ उप्रेती जी हैं, उनकी याद में जो हम आयोजित करते हैं वो एक ऐतिहासिक होता है। हम अपनी धरोहरों को किस तरह से बचाए रखें, यह शिक्षा हमको इससे मिलती है। और हर व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा, कितना विद्वान क्यों न हो, वो यहाँ पर अपनी संस्कृति के प्रति समर्पित भाव से कार्य करता है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात होती है।